श्रीलंका के खिलाफ रविवार को नागपुर टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने विशाल बढ़त लेकर मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है। टी टाइम तक टीम इंडिया ने 157 ओवर में 4 विकेट खोकर 507 रन बना लिए हैं। कप्तान विराट कोहली 170 और रोहित शर्मा 51 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। विराट और रोहित के बीच अब तक 97 रन की साझेदारी हो चुकी है। श्रीलंका को 205 रन पर समेटने वाली टीम इंडिया यानी 302 रन की बढ़त बना ली है, जबकि उसके 6 विकेट शेष हैं। रोहित ने लहिरू गमागे द्वारा किए पारी के 155वें ओवर के आखिरी गेंद पर एक रन लेकर अपने टेस्ट करियर का 8वां अर्धशतक जमाया। उन्होंने 98 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 50 पूरा किया। श्रीलंका के खिलाफ रोहित ने तीसरा अर्धशतक पूरा किया। यही नहीं, रोहित ने लगातार चौथे टेस्ट चौथा अर्धशतक जमाया। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर टीम इंडिया ने तीसरे दिन अपनी पारी 312/2 के स्कोर से आगे बढ़ाई। पुजारा कोहली ने कल के अपने शानदार फॉर्म को जारी रखा और तीसरे विकेट के लिए 183 रन की साझेदारी की। इस बीच विराट कोहली ने रिकॉर्ड शतक जमाया। उन्होंने 130 गेंदों में 10 चौकों की मदद से सैकड़ा पूरा किया। भारतीय कप्तान ने इंटरनेशनल करियर का 51वां और टेस्ट करियर का 19वां शतक जमाया। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने चौथा टेस्ट शतक ठोका। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में मिलाकर कोहली ने इस साल 10वां शतक जमाया और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। चेतेश्वर पुजारा बड़ी पारी खेलने की फिराक में थे, लेकिन वो 150 का आंकड़ा छूने से चूक गए। दासुन शनाका ने पुजारा को यॉर्क गेंद पर क्लीन बोल्ड किया और श्रीलंका को दिन की पहली सफलता दिलाई। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 362 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 143 रन बनाए। पुजारा ने इस दौरान भारतीय सरजमी पर बल्लेबाजी करते हुए 3000 टेस्ट रन पूरे किए। पुजारा ने 3000 रन बनाने के लिए 32 मैचों की 53 पारियां खेली, जबकि सचिन को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए 56 पारियां खेलना पड़ी थी। लंच तक टीम इंडिया ने 1 विकेट गंवाया था।